अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो बेटा 9th क्लास, आज का जो आप लोगों का टॉपिक है वो है डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ्लो चार्ट। के जो फ्लो चार्ट हम लोगों ने पढ़ा है, जब एल्गोरिथम हम लोगों ने पढ़ा था तो तब भी सेम स्टेप्स रिपीट हुए थे। प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर मैंने बताया था कि सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट की जाती हैं। तो इस स्टेप के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से वो रिक्वायरमेंट्स हम देखते हैं, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट फ्लो चार्ट के हिसाब से किस तरह उसको मैनेज करते हैं। तो फ्लो चार्ट के अंदर बेटर टोटल चार तरह की चीज़ें होती हैं। एक आपकी इनपुट, प्रोसेसिंग, डिसीजन मेकिंग और आउटपुट। उर्दू में इनपुट, प्रोसेसिंग, फैसला साजी और आउटपुट, ये चार चीज़ें आज के टॉपिक में हमने करनी है। कि इनका फ्लो चार्ट भी यूज़, फ्लो चार्ट में हम मंदरजा ज़ेल तसव्वुरात इस्तेमाल करते हैं। पहला कौन सा होगा? इनपुट। दूसरा प्रोसेसिंग। तीसरा डिसीजन मेकिंग या फैसला साजी। और चौथा होगा आउटपुट। सबसे पहला आपका होता है बेटा इनपुट। इनपुट क्या होता है? हम लोगों ने देखना होता है, इनपुट जो फेज होता है या इनपुट का जो स्टेप होता है फ्लो चार्ट का, उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि हमने यूजर से, जब हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसके अंदर यूजर से क्या क्या चीज़ें लेनी है, कौन कौन सी ऐसी वैल्यू है, कौन कौन सी ऐसी बातें जो हमने यूजर से पूछनी है और बाद में प्रोसेसिंग करनी है, और वो किस तरह की होगी और कितनी तरह की वैल्यूज हम लोगों ने लेनी है। मतलब नंबर नंबर इनपुट करवाना है, इंग्लिश के लेटर्स इनपुट करवाने हैं, और कितने वेरिएबल्स हमें बनाने पड़ेंगे। कि इनपुट मीन्स टेकिंग डाटा फ्रॉम द यूजर, इट इज इम्पोर्टेंट टू नो हाउ मेनी एंड व्हाट टाइप ऑफ इनपुट इज रिक्वायर्ड। इनपुट का मतलब यूजर से डाटा लेना होता है, ये जानना जरूरी है कि कितनी और किस तरह की इनपुट दरकार है। दूसरा था आपका प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के अंदर हम बहुत सारी चीजें देखते हैं कि यूजर से हम लोगों ने वैल्यू ले ली है, अब उस वैल्यू के ऊपर हमने कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं। लाइक अगर एग्जांपल की हम बात करें कि कैलकुलेटर अगर हम लोगों ने बनाना था, जो हमने एग्जांपल पहले देखी है, कैलकुलेटर बनाते हुए बेटा हम देखते हैं कि हमने अगर दो वैल्यूज लेनी है तो उनको ऐड करवाना है, ये प्रोसेसिंग है। अगर उन दोनों को माइनस करवाना है, ये एक प्रोसेसिंग है। मल्टीप्लाई करवाना है, वो भी एक प्रोसेसिंग है। डिवाइड करवाना है, वो भी एक प्रोसेसिंग है। उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना प्रोसेसिंग है। तो इस तरह के जितने भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करवाते हैं वो प्रोसेसिंग के अंदर आते हैं। और इस फेज के अंदर हम देखते हैं कि किस किस तरह के ऑपरेशन हम लोगों ने परफॉर्म करने हैं। द प्रोसेसिंग स्टेप्स आर यूज फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस, कैलकुलेशंस परफॉर्म करवाना एंड स्टोरिंग द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन। जो कैलकुलेशन से हमारे पास रिजल्ट आया, मतलब 2 और 3 को ऐड करने से जो आंसर 5 आया, उस आंसर को सेव भी करना, ताकि फ्यूचर में भी उसे यूज किया जा सके और यूजर को दिखाया भी जा सके। दीज में इंक्लूड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का वैल्यू, एडिंग मल्टीप्लाई डिवाइड टू वैल्यूज एक्सेट्रा। प्रोसेसिंग के मराहिल हिसाब किताब, कैलकुलेशंस करने और इनका रिजल्ट जखीरा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें एक वैल्यू में इजाफा या कमी करना, दो वैल्यूज को जमा ज़रब तकसीम वगैरह करना शामिल है। तो ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। उसके बाद होती है बेटा डिसीजन मेकिंग या फैसला साजी। जब हम लोगों ने एल्गोरिथम पढ़ा था तो उसके अंदर हमने एक इफ एल्स स्टेटमेंट देखी थी, जिसके अंदर हम कहते थे कि अगर वो जो कंडीशन हमने बताई है वो ट्रू हो तो इफ के आगे वाला स्टेटमेंट या उसके आगे वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, वो काम करेगा। अगर गलत होती है तो एल्स के आगे वाला। तो डिसीजन मेकिंग बेटा सेम वही चीज़ है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम है। कि हमारे पास अगर दो तरह ऐसा काम आ जाता है जो हमने किसी कंडीशन के ऊपर करना है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हम कहते हैं अगर पासवर्ड ठीक होगा तो कंप्यूटर ऑन हो जाएगा, गलत हो जाएगा तो वो हमें बता देगा कि आपका पासवर्ड गलत है। तो वह इस तरह के जब हमने काम करना है तो उसके लिए डिसीजन मेकिंग का स्टेप जो होता है फ्लो चार्ट का, वो इस्तेमाल होता है। टू डिटरमाइन वेदर अ स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स एंड टेकिंग अप्रोप्रिएट स्टेप्स अकॉर्डिंगली इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। किसी स्टेटमेंट के दुरुस्त या गलत होने को जांचना और उस हिसाब से मुनासिब इकदाम करना या कदम उठाना फैसला साजी कहलाता है। बेटा बेसिकली डिसीजन मेकिंग भी प्रोसेसिंग का ही एक पार्ट होता है, क्योंकि प्रोसेसिंग में हमने देखना ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं। अब अगर वो ऑपरेशन किसी कंडीशन के ऊपर बेस कर रहा है तो वो डिसीजन मेकिंग के अंडर आ जाएगा। उसके बाद लास्ट होता है आउटपुट। आउटपुट का मतलब होता है बेटा रिजल्ट रिटर्न करना, रिजल्ट देना। चाहे वो रिजल्ट आप डिस्प्ले करवा रहे हैं, चाहे आप वो प्रिंटर के ऊपर प्रिंट ले रहे हैं, वो आउटपुट के अंदर आता है। तो जब आप लोगों ने रिजल्ट या किसी तरह की इन्फॉर्मेशन यूजर को शो कर दिया है तो फ्लो चार्ट के अंदर उसके लिए आउटपुट का जो फेज है वो इस्तेमाल होता है। कि आउटपुट आर यूज टू डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एंड यूजुअली दिस इन्फॉर्मेशन एग्जिबिट्स द प्रोसेस्ड रिजल्ट्स। आमतौर पर वो इन्फॉर्मेशन जो कह रहा है
कि इन्फॉर्मेशन जो ये डिस्प्ले करता है वो प्रोसेस रिजल्ट और ठीक है प्रोसेसिंग के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आया। इसके अलावा आप लोग वेलकम स्क्रीन के ऊपर वेलकम लिखा देखते हैं, इस तरह की जो मैसेजिंग होती है जो आपने स्क्रीन के ऊपर मैसेज शो कर दिया वो किसी तरह का रिजल्ट नहीं होता, वो आप वैसे ही बता देते कि ये चीज़ स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करनी है तो वो आउटपुट के अंदर आ जाती है। आउटपुट मालूम आपको डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मालूम आमतौर पर रिजल्ट या प्रोसेस शुदा मतलब रिजल्ट जो प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास आया ही होता है। अब एक डायग्राम की मदद से इसको देखते हैं कि सबसे ये किस सीक्वेंस के अंदर चलते हैं। बेटा सबसे पहले इनपुट फेज आता है, उसके बाद प्रोसेसिंग फेज एंड लास्ट के ऊपर आता है आउटपुट फेज। अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात यह है कि डिसीजन मेकिंग वाला स्टेप किधर गया। तो बेटा मैंने अभी बताया है डिसीजन मेकिंग का जो स्टेप होता है वो प्रोसेसिंग के अंदर ही आता है, क्योंकि वो भी एक तरह का काम ही है, एक तरह का ऑपरेशन है जो किसी स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर बेस कर रहा है। तो उसके लिए हम लोग इस प्रोसेसिंग बुक के अंदर उसने बेसिकली ये डायग्राम बनाई हुई है। ये चीज मैंने अपनी तरफ से ऐड किया कि जो प्रोसेसिंग के अंदर ही आपकी डिसीजन मेकिंग या फैसला साजी आ रही होती है। सर बेटा ये आज तक का लेक्चर था, उर्दू मीडियम वालों ने इसके अंदर उर्दू में भी लिखा हुआ है, साथ मैंने उर्दू में बोला भी है, तो उसको अपनी वर्डिंग में लिखना है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बेटा ये बुक से एक पिक्चर ली गई है, इसके अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है, तो जितना लिखा है वो अच्छी तरह याद करना है। जो सबसे पहली स्लाइड के अंदर मैंने वो चारों चीजों के नाम आपको बताए थे वो यहाँ पे लिखे हुए, ठीक है बेटा, और इनकी डिटेल उसके आगे जैसे लिखी है ना लाइन, दीज कंसेप्ट्स आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग। उसके बाद आपने क्या करना है एक एक करके इनको एक्सप्लेन कर देना और इसका होमवर्क करना है बेटा साफ सुथरा करके, और अच्छी तरह इनकी तैयारी करनी है। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप लोग पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह जल्द अज जल्द उसका आंसर दे दिया जाएगा। तो बेटा अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।